हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मैं डेली प्री मार्केट एनालिसिस करता हूं कि ताकि हम कल निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, किन स्टॉक्स में हमें फोकस करना चाहिए। बट ये प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो देखने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार ये वीडियो के माध्यम से आप जुड़े हो, तो आप सबसे पहले इसी वीडियो के आई बटन पर, यहाँ पर ऊपर में दे दूंगा, एक वीडियो है जिसका नाम है हाउ टू अंडरस्टैंड प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो, ताकि आपको इस ये जो प्री मार्केट एनालिसिस होती है इसके बेस पे किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, वो आपको देख करके समझ में आए। एक बार आप इसको देख लीजिए, देन आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर डेली आप उसको वॉच करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब आप पहली बार जुड़े ही हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और इसके साथ साथ ही कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर आईडी की लिंक है, तो आप अगर उसको जाकर के ज्वाइन एंड फॉलो करेंगे तो वहाँ पर मैं लाइव मार्केट में चार्ट शेयर करता रहता हूँ, और आप उसका बेनिफिट उठा करके कुछ अच्छा खासा अपना कुछ आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे कि आज मैंने एक जेडएस लाइव का शेयर किया है, तो प्रॉपर एनालिसिस भी होती है और स्टॉक्स भी होता है, तो आप उसको अगर लाइव मार्केट में मिल जाएगा तो आप उसका एक बेटर यूज कर सकते हैं अपने लर्निंग के लिए भी और अपने कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी। ओके, और थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी और प्लस स्टॉक्स के बारे में, ये सब के सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और आप इसको खुद के एनालिसिस करिए, देन उसके बाद ही ट्रेड करिए, अदरवाइज आप ट्रेड मत करिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट है, सबसे पहले हम डेटा देखते हैं। तो सुबह के हिसाब से हमारा डेटा जो कल की एनालिसिस थी आज एकदम परफेक्ट गई, बट आज देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। ओके, हर दिन सही नहीं होता बट देखते हैं। कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी 18 अगस्त, तो हम उसके हिसाब से भी प्लान करेंगे और आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए, ताकि एक आपका हीरो जीरो भी ट्रेड बन जाए लास्ट में और एक आपका शुरू से भी ट्रेड बने अगर आप करना चाहें तो। ओके, चलिए, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है। तो हमारे पास लेटेस्ट रेजिस्टेंस है 18,000 का, डेटा के हिसाब से, ऑप्शन चेन के हिसाब से 18,000 का लेटेस्ट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट क्या है, तो लेटेस्ट जो सपोर्ट है वो 17,800 का है, तो मतलब 200 पॉइंट के हमारे पास रेंज है। तो अब इनमें से जो लोग आप चाहते हैं कि 200 पॉइंट के रेंज में, तो आप चाहो तो इसका स्ट्रेडल क्रिएट कर सकते हो, 200 की जगह पे 400 पॉइंट की रेंज ले लो या फिर 300 पॉइंट की रेंज ले लो, आप एक स्ट्रेडल क्रिएट कर दो, सेफ रहोगे। या फिर आप चाहो तो आयरन काउंटर बना दो। ओके, आयरन काउंटर आपकी बनेगी सीधे सीधे 17,900 पे, यानी या फिर लेट से कि कल जहाँ पे ओपन होगी वहाँ पे शुरू शुरू में भी आप अगर आयरन काउंटर बना देंगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये तो हो गई ऑप्शन सेलिंग की बात, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट में 200 पॉइंट नीचे हमारे ऑलमोस्ट यहाँ पे हम ही 944 पे क्लोज हुए हैं, तो मतलब 150 पॉइंट नीचे रेजिस्टेंस है और थोड़ा सा 60-70 पॉइंट ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है ऊपर रेजिस्टेंस है। तो ये एक रेंज जो है हमारी 200 पॉइंट की बनी हुई है और ये बहुत स्ट्रांग है। अब ये तो हो गया स्टार्टिंग का पॉइंट, अब होगा क्या, जैसा कि हमने सोचा था कल कि अगर 17,800 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ और वहाँ पे सस्टेन किया तो 17,800 में शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी, जो मार्केट को 17,950 तक खींच के लेके जाएगी, जो कि एग्जैक्ट हुआ। ओके, थोड़ा सा आई थिंक 10-20 पॉइंट से रह गया या फिर गया भी था, कैश का लेवल 965, हाँ, जो कि चला गया था। ओके, अब इसमें कल क्या होगा, कल अगर मार्केट ऊपर रहा, ओके, कल मार्केट अगर ऊपर रहा 17,900, तो अभी भी पुट का रेजिस्टेंस है ही, मतलब पुट का सपोर्ट है ही, क्योंकि पुट में सबसे ज़्यादा वाई है। आप यहाँ पे देखिए, पुट में 63,96,000 ऑलमोस्ट, सॉरी 74 लाख ओपन इंटरेस्ट है पुट में और 60 लाख है कॉल में। तो अब आपका पुट का सपोर्ट यहाँ पे 17,900 पे बना हुआ है। ओके, चलिए, 17,900 पे आपका सपोर्ट बना हुआ है। अब कल अगर 17,900 के मार्केट, जो कि अभी 44 पे है ही, लेकिन कल अगर मार्केट ओपन हुआ ऊपर ही या फिर थोड़ा सा भी फ्लैट ओपन हुआ और ऊपर जाने लगा और सस्टेन किया, तो क्या होगा, कल मार्केट आपका 18,000 में कॉल की शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, जो मार्केट को और खींच के लेके जाएगी 100 पॉइंट ऊपर। ओके, ये आप ध्यान रखो। तो 18,100 अगर कल का वाई डाउन हुआ तो आपको करना क्या है, आप अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है तो आपको देखना है कि 18,000 का कॉल गिर रहा है कि बढ़ रहा है। अगर 18,000 का कॉल बढ़ रहा है तब समझ लो रेजिस्टेंस ले लेगा, और अगर 18,000 का कॉल गिर रहा है तब समझो कि ऊपर जाएगा, तो आपको वहाँ पे बाई साइड में ट्रेड करना रहेगा। अब नीचे होगा तो हो सकता है, अगर नीचे हो जाए तो आपको 17,900 के पुट को देखना है। अगर 17,900 का पुट लेट से कि वो फ्लैट ओपन हुआ या फिर नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, तो गैप डाउन अगर ओपन हुआ तो आपको 17,900 का पुट देखना है। अगर 17,900 का पुट आपका ओआई गिरने लगे वहाँ पे, तो आपको ध्यान देना है कि अब वो और नीचे जाएगा, और अगर वो सस्टेन करे या फिर बढ़ने लगे तो आपको समझना है कि वहाँ पे सपोर्ट ले लेगा। तो एक आपका 200 पॉइंट का रेंज मिल गया। ये तो ऑप्शन चेन की बात थी। मेरा डेटा क्या बोल रहा है, मेरा डेटा ये बोल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे FIIs हैं, इन्होंने थोड़ी सी स्लाइटली अपनी जो लॉन्ग पोजिशन है वो घटाई है, हालांकि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बढ़ाई है, दैट्स वाई ये रेशियो आपका कम आ रहा है, बिकॉज ये रेशियो में होता है। ओके, नेट लॉन्ग माइनस नेट शॉर्ट। अब यहाँ पे जो हमारे प्रॉप डिस्क ट्रेडर हैं ये भी आपके हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सीधे सीधे पॉजिटिव, मैं व्यू अपना लिख रहा हूँ पॉजिटिव टू साइडवेज या वॉलेटाइल, वॉलेटाइल
ओके, ये मैं लेके चलता हूँ। अब इसका इसके पीछे का रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो हमारे एफ आई आईज है, इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजिशन तो बढ़ाई ही है, लेकिन अपनी शॉर्ट पोजिशन भी बढ़ाई है और उसको हेज भी किया है। तो हेजिंग वोजिंग से क्या होता है, थोड़ा सा दोनों लोगों में पैनिक आ जाता है। यहाँ पे सेम इन्होंने भी वही चीज़ करी है, क्लियर। अगर यहाँ पे आप देखना चाहो तो यहाँ पे FIS ने अपनी लॉन्ग पोजीशन ऑलमोस्ट 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, और यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट भी अपना बढ़ाया, तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों बढ़ाए, दैट मीन्स दोनों साइड के लिए बैठे हैं। प्लस यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इन्होंने हेज भी कर रखा है, तो हेजिंग के हिसाब से भी आप अगर देखेंगे तो इन्होंने अपनी पोजिशन को हेज कर रखा है, मतलब वॉलेटिलिटी इनको भी पता है। तो ये हो गया हमारा डेटा। तो डेटा हमारा ये जो बोला है हमारा थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला डेटा है, क्लियर। कन्फ्यूजन मीन्स कि वॉलेटाइल का संकेत दे रहा है। ऑप्शन चेन बता रहा है कि 200 पॉइंट की रेंज है, अब 200 पॉइंट ऑप्शन चेन की रेंज है, डेटा बता रहा है वॉलेटाइल, तो इसका मतलब क्या है, साइडवेज रहेगा, मतलब ऊपर नीचे करता रहेगा। बट चूंकि कल एक्सपायरी है, ओके, तो देखते हैं अब चार्ट में हमें क्या मिलता है। तो डेटा के हिसाब से हमें क्लियर कर लिया, चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे जैसा कि आपको अगर याद हो तो 240 मतलब 4 घंटे का जो मैंने एक रेजिस्टेंस आपको बताया था कि अगर ये तोड़ देगा तो सीधे सीधे आपका ऊपर चला जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस था, ये तोड़ दिया और ऊपर चला गया, फिर मैंने ये बोला था कि अब आपका ऊपर जाएगा। तो अभी जो 4 घंटे का, क्योंकि मैं 4 घंटे का ज़्यादा देखता हूँ, अभी जो 4 घंटे का रेजिस्टेंस आपका आ रहा है वो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट वही जहाँ से आपका मार्केट थोड़ा सा जा करके ऊपर, एग्जैक्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर आप पुराना वीडियो देखोगे तो आपको यही लेवल मैंने एग्जैक्ट यही लाइन बताई थी और वहीं से डॉट नीचे आई। ओके, 2-3 रुपए का फर्क होगा तो चलेगा, डॉट वहीं से नीचे आई। अब ये एक आपका रेजिस्टेंस है जो कि 4 घंटे का रेजिस्टेंस है। 4 घंटे का रेजिस्टेंस किसके लिए, स्विंग के लिए काम करता है, पोजिशनली उतना नहीं। हाँ, अगर यहाँ से आपके डेटा नेगेटिव बनने लगे तब दिक्कत होगी। तो आपको अब प्लानिंग क्या करनी है, कल अगर आपका यहाँ पे मार्केट, मैं 15 मिनट के चार्ट को लगा लेता हूँ, तो ऊपर आपको रेजिस्टेंस देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एक हैमर भी बना है। ओके, हालांकि गैप अप गैप डाउन में हैमर का कुछ खास अंतर नहीं होता, बट इसको देखते हैं कि क्या होगा। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ओके, फ्लैट ओपन हुआ और वो गया नीचे की तरफ, कहाँ पे, आपका इसके आसपास आया यहाँ पे, तो एक बार आपको बाई करना है, वो भी रिवर्सल पे। क्या करना है आपको, रिवर्सल पे बाई करना है और फिर आपका टारगेट हो जाएगा ये वाला, पहला प्लानिंग। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और ऊपर गया तो ये ब्रेकआउट पे आपको बाई करना है, फिर आपका ट्रेड बनेगा। ये हो गया आपका फ्लैट के हिसाब से। अब अगली प्लानिंग, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो आपको बस वही, आपको प्लान मेरा पता है ना, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या बोलता है, अगर गैप अप ओपन हो जाए तो आपको देखना है ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया ब्रेकआउट पे ट्रेड लो, पहला प्लानिंग। दूसरी प्लानिंग, खुला ऊपर खुल गया नीचे आया फिर ऊपर गया, हाई नहीं तोड़ा फिर नीचे आया, यहां पे ये लो तोड़ दिया, यहां पे एंट्री करो शॉर्ट साइड, तो आपका क्या हो जाएगा, डबल टॉप का ट्रेड हो जाएगा। तो ये 2 प्लानिंग आप लेके चल सकते हैं, एक फ्लैट के हिसाब से, ओके, और एक आपका गैप अप के हिसाब से, ओके। अब गैप डाउन हो जाए तो चलिए गैप डाउन को भी देख लेते हैं। अगर गैप डाउन हो जाएगा तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि 17,800 के पुट वाले, अब जैसे यहाँ पे लेवल आपका है 17,890 का, मतलब 900 का, तो बस आपको यहाँ पे अगर गैप डाउन छोटा सा भी, मतलब बहुत ज़्यादा गैप डाउन तो नहीं होगा, 100-150 पॉइंट का लगता नहीं है, बट अगर नॉर्मल गैप डाउन भी हो जाता तो आपको बस यही देखना है कि नीचे आने पर पुट का ओआई 17,900 का बढ़ रहा है कि नहीं। अगर 17,900 का पुट का ओआई बढ़ता होगा तब आपको तुरंत बाई कर लेना है, अगर नीचे गैप डाउन हो जाता है तो थोड़ा सा भी, ओके। बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है तो फिर आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड रहिए, क्लियर। ये हो गया लॉजिक हमारा, बहुत ज़्यादा गैप डाउन का लगता नहीं है, अगर कोई न्यूज़ आएगी तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये हमारी निफ्टी में प्लानिंग हो गई फ्लैट के हिसाब से, और आपका फ्लैट के डाउन के हिसाब, मतलब फ्लैट से ऊपर गई तो, फ्लैट से डाउन गई तो, गैप अप हो गई तो वो प्राइस सेक्शन देखना है, देन उसके हिसाब से ट्रेड करना है। अब इसी में थोड़ा सा दे देते हैं कि हीरो जीरो, तो हीरो जीरो देखिए क्या करना है। हीरो जीरो के लिए आपको लगभग 12 से 1 बजे का वेट करना पड़ेगा, 12 से 1 बजे तक वेट करिए और उस टाइम पे देखिए किस तरफ सबसे ज़्यादा आपका लग रहा है कि डायरेक्शन, जैसे लेट्स से कि आपका नीचे जा रहा है, ओके, तो आपको एक पुट का हीरो जीरो कर लेना है, और अगर ऊपर जा रहा है तो आपको एक कॉल का हीरो जीरो कर लेना है, जो भी आपका वहाँ पे स्ट्राइक होगा आप समझ सकते हैं हीरो जीरो करने के लिए, थोड़ा सा 1-2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, और उसमें टारगेट आ जाए तो तुरंत बुक भी कर लेना, बहुत ज़्यादा मत रुकना, अदरवाइज हीरो जीरो करने की जरूरत नहीं। हाँ, आप अगर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, सर हीरो जीरो दीजिए, तो कल मैं आपको एक हीरो जीरो दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ओके, बट आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। और अब चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, ये मैं कैश लेवल ले रहा हूँ अभी। अब बैंक निफ्टी में अगर देखें तो इसने थोड़ा सा मुझे खफा भी किया, क्योंकि मैं इसमें बुलिश था और मेरी इसमें गलती भी थी, आई थिंक मैंने आज प्री आफ्टर मार्केट वाले में वो चीज़ डिस्कस नहीं करी। वो गलती ये थी कि यहाँ पे लॉजिक ये है, देखिए कि कल के दिन का जो मार्केट था
5-15 मिनट। कल के दिन के मार्केट में जो आपका निफ्टी था ना वो ज़्यादा पॉजिटिव था, और निफ्टी का जो चार्ट था वो भी ज़्यादा पॉजिटिव था, लेकिन बैंक निफ्टी का जो चार्ट था कल के दिन में वो नेगेटिव था। बट मैंने इस उम्मीद में सोचा कि ये आपका ओवरऑल ये सेक्टर बुलिश है तो हो सकता है कि निफ्टी को ये आउट परफॉर्म कर दे। ओके, अभी भी कर ही रहा है, बट क्या हुआ ये आज के दिन भी दुखी किया, मतलब जितना ज़्यादा बुलिश आज निफ्टी था उतना ज़्यादा बुलिश बैंक निफ्टी नहीं था। हालांकि मैंने इसी में ट्रेड किया, एक बार अपना आयरन काउंटर बनाया उसमें प्रॉफिट बुक किया, फिर उसके बाद नेट कॉल बाई किया उसमें बुक किया, फिर निफ्टी में आपका ट्रेड गया, तो मतलब तीनों जगह पे प्रॉफिट हुआ। बट लॉजिक ये है कि जितना मतलब मैं निफ्टी में उतना बुलिश नहीं था, हालांकि मुझे सुबह देख करके मार्केट को समझ जाना चाहिए था, बट फिर भी मेरा बायस जो था वहीं पे था। अच्छा, थोड़ा सा मैं सेफ गेम प्ले करता हूं, तो मैं बैंक निफ्टी में ही रहा। आयरन काउंटर की स्ट्रेटजी बनाई थी मैंने, लगभग 10 उसके आसपास बनाई थी, उसके बाद में मैंने बुक कर लिया। तो ये लॉजिक है। अभी बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे अगर हम चलें तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था, ओके, ये टूटा तो सही, ओके, ये ऊपर कैंडल गई तो सही, लेकिन ये ऊपर बहुत अच्छे से क्लोज नहीं कर पाई। एक आपका समझ सकते हैं शूटिंग स्टार, ओके, और फिर उसके बाद देन बेयरिश कैंडल, तो ये एक नेगेटिव साइन है। अब इसकी ओपनिंग पर डिपेंड करता है कि कल किस तरीके से मार्केट चलेगा। कल अगर इसके ऊपर ओपन हो गया तो आपकी शॉर्ट कवरिंग आएगी जो उसको और ज़्यादा 40,000 तक लेके चली जाएगी बिना कहे सुने। ओके, इसके ऊपर अगर ओपन हुआ तो शॉर्ट कवरिंग आएगी पक्का और 40,000 तक लेके चली जाएगी। क्लियर? अब देखते हैं इसके नीचे अगर ओपन होती है तो, इसके नीचे अगर ओपन होती है तब आपको ये देखना है कि इसके ऊपर जाए, ओके, और यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज करे, देन तभी आप लॉन्ग करोगे। गैप अप ओपन हो जाएगी तो आपको वो प्राइस सेक्शन देखना है, थोड़ा सा नीचे आकर के वहाँ पे आपको बाई कर लेना है, या फिर आप समझो कि ऊपर जाएगी ही जाएगी। ओके, और अगर इसके नीचे ओपन हुआ, यहाँ पे ये जो आपका लेवल है 39,396, मतलब 39,400 के नीचे अगर ओपन हुई, 39,400 के नीचे ओपन हुई, तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर फिर क्रॉस होने पर ही ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना है। एक 5 मिनट की अच्छी खासी कैंडल क्लोज होने देना तो ही ट्रेड करना, ये आपका लॉजिक समझ लो। अब अगला लॉजिक क्या है कि सेल कहाँ से करेंगे, तो सेल का देखिए अभी बन नहीं रहा है, क्योंकि सेलिंग का जो डेटा है ना वो स्ट्रॉन्ग डेटा अभी भी बायस है पॉजिटिव की तरफ। तो आपका अगर पूरा देखेंगे तो ये एक आपकी रेंज है, पूरा जो पुरानी की रेंज थी सपोर्ट वाली, ओके, तो इसके नीचे जाने पर ही सेल करेंगे। बट वहाँ पे भी कन्फ्यूजन होगा कि तुरंत शॉर्ट कवर करने वाले, मतलब पुट की कवरिंग के लिए वो लोग वेट करेंगे और वहाँ पे तुरंत ट्रेडिंग करना चालू कर देंगे। तो आप अगर एग्जैक्ट सेल करना चाहते हो अच्छे से, तो आप सेल कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये ऐसे नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, वहाँ पे ऐसे डबल टॉप या फिर ऐसा कुछ बनाएगी थोड़ा सा फिर से, तो मतलब एक दो बार अगर कल रेजिस्टेंस फेस कर दे, देन उसके बाद अगर वो स्लो मतलब उसका लो तोड़े, ओके, यहाँ पे ऊपर ही रेजिस्टेंस करे, मतलब इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करे एक दो बार, कल की प्लानिंग इसी लेवल पे एक दो बार अगर रेजिस्टेंस फेस करे, तो आप देन उसमें लो तोड़ने पे नीचे आएगी, देन पुल बैक में आप शॉर्ट कर सकते हो। अदरवाइज कल का शॉर्टिंग का मुझे लगता नहीं है। बाय द वे मार्केट किस हिसाब से चलेगा, न्यूज़ आएगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है कि किस तरीके से कल मार्केट ओपन होगा, न्यूज़ क्या रहती है, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूँगा, आप जुड़े रहिए। ओके, तो यही एक प्लानिंग है। बैंक निफ्टी में ऊपर खुलेगी तो हमें शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, बिंदास वहाँ पे बाई कर लेना है, और अगर नीचे जाएगी तो नीचे से इसके ऊपर क्लोज होने पर ही हमें बाई करना है, और सेल करना है अगर यहाँ पे साइडवेज होकर के नीचे जाएगी और वहाँ पे वो लो तोड़ेगी तभी हमें सेल करना है और पुल बैक पे करना है, अदरवाइज सेल नहीं करना है। आप अभी बाई में ही रहो, अदरवाइज ट्रेड भी ना करो। अब इसमें कल का ट्रेडिंग का क्या होगा, तो जो लोग हैंडल कर सकते हैं कल वो सुबह खुलते ही एक आपकी आयरन फ्लाई बना सकते हैं या फिर आयरन काउंटर बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक आप उसको मैनेज कर लोगे, क्योंकि कल थोड़ा सा मुझे वॉलेटाइल मार्केट लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं लगने वाला, बट आपका वॉलेटाइल है तो आपका वो प्रीमियम खा सकते हो आप। फिर लास्ट में आप चाहो तो एक 0-0 कर सकते हो, जिस तरीके से आपका डेटा बनेगा उस हिसाब से। अभी स्टॉक की बात कर लेते हैं। स्टॉक में पहला आपका स्टॉक है कमिंस। कमिंस देखिए दोनों जगह पे है। कमिंस हमें सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी देगा, बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी देगा, बट वो कैसे, यहाँ पे अगर इसके नीचे ओपन हुआ और यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल क्लोज करी तो हम बाई करेंगे। जो कैंडल क्लोज करेगी उसका लो स्टॉप लॉस उसका दोगुना टारगेट, मानी स्टॉप लॉस का दोगुना टारगेट। और अगर कमिंस नीचे जाता है यहाँ पे ये वाले लेवल के नीचे, ऐसे ऊपर ओपन होता है यहीं पे ओपन होता है और नीचे आता है, तो नीचे आने पर यहाँ पे पुल बैक में आप शॉर्ट कर सकते हो, तब आपका टारगेट होगा सीधे सीधे ये वाला। ओके, तो आप इस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। कमिंस आपको सेल का भी ट्रेड देगा इंट्राडे में और बाई का भी ट्रेड देगा, जो कि लेवल है आपका ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट का लेवल है प्लस रेजिस्टेंस का लेवल। सपोर्ट है 1243 के आसपास, 44 के आसपास। अगर ऊपर ओपन हुआ, नीचे गया और फिर ऊपर गया, तो पुल बैक में आप सेल करोगे। और अगर फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, तो ऊपर जाने पर आप ब्रेकआउट में बाई करोगे, आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के यहाँ पर ट्रेड बनेगा। अगला स्टॉक है आपका डाबर। डाबर में आप देखोगे तो स्टॉक जो है आपका
पूरा पूरा बुलिश है। आवरली चार्ट पे ये छोटा सा फ्लैग एंड पोल टाइप पैटर्न बना रहा है, ये आपको स्विंग में भी अच्छा खासा जा सकता है। अच्छा बाय द वे आप लोगों को याद हो तो एसबीआई कार्ड मैंने स्विंग दिया था, काफी अच्छा उसमें टारगेट अचीव हुआ और आप उसको बुक कर लीजिए, आई थिंक टारगेट भी आ गया होगा, मैं अभी लास्ट में देख लेता हूँ। तो यहाँ पे इसी दिन मैंने जो देखो जो मैं वीडियो चार्ट यहाँ पे बताता हूँ ना वो चार्ट वैलिड होते हैं, आप इंटरडे में भी करोगे तो ठीक, अदरवाइज क्योंकि वो जो स्टॉक मैं लेता हूँ ना सब ट्रेंडिंग स्टॉक होते हैं, ये लॉजिक है। तो यहाँ पे आपका आवरली में भी छोटा सा एक फ्लैग एंड पोल टाइप बन रहा है। अब 5 मिनट में अगर हम देखें तो ये 15 मिनट में देखते हैं, 15 मिनट पे ये एक ट्रेंड लाइन आपका रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट अगर कल इसके नीचे कहीं ओपन हुआ और इसके ऊपर गया ट्रेंड लाइन के ऊपर तो आप तुरंत बाई कर सकते हो, 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होगी तब। अब अगर ऊपर ही ओपन हो गया तब तो आपको पता है अगर ऊपर ओपन हुआ तो पुल बैक का वेट करोगे और देन आप ट्रेड करोगे, क्लियर। आप नीचे आएगा तो आप यहाँ पे ट्रेड करोगे और देन आप वेट मतलब अगर गैप अप ओपन हो गया थोड़ा सा ऊपर हुआ तो नीचे आने दो, नीचे आने के बाद आप यहाँ पे जब पुल बैक होगा ट्रेंड लाइन के पास तब आप ट्रेड करोगे, स्टॉप लॉस ले लेना इसका लो। अगर गैप अप ओपन होकर नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस होगा 583 582 या 580 का भी ले लोगे तो चलेगा, और दो जिस पॉइंट पे आप एंट्री करोगे आपका लगभग 586 के पास एंट्री होगी तो 580 का स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और 12-13 पॉइंट का आपका टारगेट। और अगर नीचे ओपन हुआ ऊपर जाएगा तो आपकी जो कैंडल क्लोज करेगी उसका लो स्टॉप लॉस, उसका जिस पॉइंट जितने पॉइंट का आपका ऐसा होगा उसका दोगुना टारगेट, या प्लस इजीली है मतलब इसमें आप इजी ट्रेड कर सकते हो। ओके अगला स्टॉक है आपका डालमिया भारत। अब डालमिया भारत में अगर देखें तो ये थोड़ा सा आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना करके ऊपर आ रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है। ओके इसमें शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा चांस है क्योंकि फ्यूचर का कैंडिडेट है तो शॉर्ट कवरिंग का यहाँ पे चांस मुझे लगता है। कल को अगर ये आपका इसके ऊपर चला जाए, क्लोज हो जाए इस लाइन के ऊपर, ये जो रेजिस्टेंस आपकी लाइन है ये आपका 1605 ओच की, अगर इसके ऊपर एक 5 मिनट और 15 मिनट की 5 मिनट की भी कैंडल अगर क्लोज होगी तो उसके क्लोजिंग होने के बाद आप एंट्री करोगे उसका लो स्टॉप लॉस और जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा उसका दोगुना टारगेट, या फिर पहला टारगेट आप यही वाला पकड़ सकते हो, ईजी आपको निकल जाएगा। ओके तो आप ये ट्रेड कर सकते हो डालमिया भारत में, बाई का ही ट्रेड है। अगला स्टॉक है आपका इंडसइंड बैंक। देखिए ये सब प्लान करिए, जिसमें एंट्री मिले उसमें ट्रेड करिए, जिसमें एंट्री ना मिले उसमें छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आप इंडसइंड बैंक को देखें तो वही लेवल है इसका कंजेस्टन, यहाँ पे आपकी सेम वही चीज़, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर 5 मिनट की कैंडल अगर ऊपर क्लोज होती है तो आप बाई करोगे उसका लो स्टॉप लॉस जो कैंडल ब्रेक करेगी उसका ऊपर टारगेट, और अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो वही डाबर वाली स्ट्रेटजी आई थिंक जो आपको पता है, नीचे आएगी देन आप पुल बैक में ट्रेड करोगे फिर आपका ट्रेड होगा। तो ये आपका हो गया इंडसइंड बैंक का। अगला स्टॉक है आपका इन्फोसिस। इन्फोसिस बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है और मैं इसमें लगभग ट्रेड करूंगा, मैं तो सभी में ट्रेड करता हूं, बट यहां पे समझिए इसके ऊपर अगर इसके ऊपर निकला इन्फोसिस तो आप ये नीचे अगर ओपन हुआ और इसके ऊपर निकला तो आप ट्रेड करेंगे, पहला आपका टारगेट मिल जाएगा यही वाला, इजिली अचीव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फिर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी तो जो इजिली अचीवेबल होगा वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, आपका पहला टारगेट, और ज़्यादा ट्रेड करके जाना चाहते हो तो आपको फिर अगला टारगेट मिलेगा। अगला टारगेट आपका मिलेगा ये वाला जो कि होगा 1652 का। ओके ये इसके ऊपर अगर ओपन हुआ तो आप यहाँ पे ट्रेड करोगे सीधे सीधे 1632 का टारगेट, और ऊपर जाएगा तो 1652 का टारगेट आप लेकर के उसको ट्रेड कर सकते हो। तो ये रहा आपका आज के कुछ स्टॉक्स, और इन सब स्टॉक्स में आप जब एंट्री मिलेगी तभी ट्रेड करना, अदरवाइज ट्रेड मत करना, प्रॉपर वॉच करना, और ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और आपका कुछ इसमें टिप या फिर एडवाइजर नहीं है, सिर्फ मैं गाइड कर रहा हूँ कि स्टॉक में क्या है, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। और अगर आप मुझसे ये सब चीज़ें सीखना चाहते हो तो हर महीने मेरी बैचेस चलती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, नेक्स्ट बैच आपकी 5 सितंबर को चालू होगी, तो ये वीडियो देख करके या फिर आप होम पे आओगे तो वहाँ पे भी मेन वीडियो है तो आप उसको देख करके प्रॉपर समझ लीजिए कि किस तरीके से आपको सिखाया पढ़ाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, और आपको अगर अच्छा लगे तो देन आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।